जय हिंद वॉरियर्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर परिवार में एक बार फिर से। तो बच्चा सीएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एयरफोर्स की न्यू इनटेक के लिए अपडेट आ चुका है। आपके फॉर्म बच्चा नवंबर में फिलअप होने स्टार्ट होगी और आपका एग्जाम होना है मिड ऑफ जैन में। अब बच्चों की दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि सर हमारा एज जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो डीओबी उसको मीट करेगा कि नहीं करेगा, क्या हम लोग न्यू इनटेक के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो बच्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले आपके न्यू इनटेक के लिए एज क्राइटेरिया, एज लिमिट पर्टिकुलर क्या होने वाला है। देखो बच्चा, सबसे पहली बात, एयरफोर्स का जो एज लिमिट क्राइटेरिया है वो बच्चा 17.5 to 21। 17.5 बच्चा ये है मिनिमम एज क्राइटेरिया एंड ये है बच्चा 21, ये है मैक्स टू मैक्स। ये कौन सा क्राइटेरिया? ये है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जब आप एयरफोर्स ज्वाइन करो, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप, उसके लिए बच्चा आपकी एज क्राइटेरिया ज्वाइन करते टाइम 17.5 से लेके 21 साल तक के बीच में हो सकती है। ये एयरफोर्स का ऑफिशियल एज क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो बच्चा, जो तो पिछला इंटेक हुआ तुम्हारा, जिसका अभी अपना जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ, उसके अंदर बच्चे क्या सुनेगा था, उसके अंदर एज क्राइटेरिया थोड़ा सा बढ़ाया गया, बिकॉज पिछले आपके 2 साल से कोविड के कारण वैकेंसी वगैरह नहीं आ रही थी, तो अपर एज लिमिट जो है वो बच्चा 23 की गई ना, मैक्स बच्चा एज लिमिट जो है ना वो आपकी की गई थी 23 ईयर्स। और उसके लिए बच्चा जो पिछला आपका इंटेक था उसके लिए डीओबी का क्राइटेरिया ये था, जो कि ऑफिशियल साइट पर अभी भी मेंशन है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे अगर बच्चा हम लोग कैलकुलेट करें, आपका जो भी प्रेस इंटेक आया है 01/2023, इसका आपका देखो पेपर हो जाएगा जनवरी के अंदर, एंड सारे बच्चे सिनेरियो सब कुछ कंप्लीट करा के जहां तक पॉसिबिलिटी शो की जा रही है कि आप इसकी जो नया इंटेक जो आएगा इसके लिए ज्वाइनिंग आपकी जून या फिर जुलाई में बच्चा, जून जुलाई 2023 में कंप्लीट हो जाएगी, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी जून जुलाई 2023 के अंदर, जो फ्रेश इंटेक आएगा जिसका आपका जनवरी 2023 में एग्जाम होना है। तो उसी के व्याप पे बच्चा अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जो अभी के लिए एज क्राइटेरिया एयरफोर्स का है 17.5 से लेकर 21, बिकॉज एमओडी ने बताया था कि जो 23 ईयर्स का मैक्सिमम एज लिमिटेड क्राइटेरिया किया गया है वो सिर्फ एंड सिर्फ ओनली एक इंटेक के लिए है, और एक इंटेक बच्चा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी के लिए जो फ्रेश इंटेक आएगा उसमें बच्चा ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जो फ्रेश इंटेक आएगा उसके लिए मैक्सिमम बच्चा एज क्राइटेरिया आपकी 21 ही रहेगी, आपकी एज लिमिट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग 21 ही हो सकती है, यही एज क्राइटेरिया आने की पूरे पूरे चांसेस है। और आपकी ज्वाइनिंग बच्चा इस इंटेक की जो नया फ्रेश इंटेक आया आपका जनवरी 2023 में एग्जाम होके ज्वाइनिंग होने के आपके चांसेस है कि जून या फिर जुलाई 2023 में आपकी ज्वाइनिंग इसमें हो जाए। तो ये बच्चे का एज क्राइटेरिया का रह सकता है। इसमें देखो एग्जिट बच्चे, एग्जिट डेट बता पाना अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज एग्जिट बच्चा डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी। लेकिन जिन बच्चों का बच्चा डीओबी इस एज क्राइटेरिया में, मान लो जो जून 2002 से लेके दिसंबर 2005 के बीच में अगर आपका डीओबी कहीं लाइक करता है तो आप मान के चलिए कि आप एलिजिबल है एयरफोर्स का जो नया इंटेक आपके लिए आया है 01/2023, उसके लिए आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन के लिए तो बच्चा देखो यूट्यूब पे अपनी प्रॉपर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप वो देख लीजिए, या फिर आप बढ़िया तरीके से अपने सारे के सारे बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करके विद प्रैक्टिस सारे के सारे डाउट क्लियर करके आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अग्नि फाउंडेशन बैच में बच्चा बढ़िया से जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपका आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल बैच होगा। और सबसे जरूरी बात क्या है, पिछली बार बच्चों ने गड़बड़ क्या की थी, पिछली बार बच्चों ने रिटर्न के लिए पहले तैयारी कर ली, फिर फेज टू के लिए टाइम नहीं मिल पाया, फेज टू के लिए 10 से 12 दिन मुश्किल से मिले, तो उस टाइम ड्यूरेशन में उनका जेडी एसआरटी इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर बैच में आपको फ्री फेज टू जेडी बैच भी मिल रहा है ना, फ्री बच्चा आपकी कंप्लीट फेज टू की तैयारी भी हो रही है रिटर्न के साथ साथ, यानी जेडी एसआरटी की बच्चा इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी, जिससे कि अगर टाइम कम भी मिला आपके फेज टू के लिए तो भी आपकी उसमें पहले से प्रिपरेशन रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। Got it warriors? तो छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए था। जिन बच्चों को डीओबी का डाउट था बच्चा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस क्राइटेरिया में बच्चा आ रही है, इसके बीच में कहीं भी आ रही है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप मान के चलिए आप एयरफोर्स की न्यू इनटेक के लिए एलिजिबल होंगे। Got it? तो छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, मिलते हैं फिर बच्चा नेक्स्ट सेशन में, टिल द टाइम जय हिंद।